हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वेल एकेडमी। और इस वीडियो में मैं लॉकिंग डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट वीडियो में कॉन्करेंसी कंट्रोल के बारे में हमने बात की थी। नाउ इस वीडियो में मैं लॉक्स के बारे में बात करूंगा। लॉक्स दैट मींस हम क्या है, रीड और राइट पे एक तरह के लॉक लगा देंगे ताकि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आए। कॉन्करेंसी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको निकालने के लिए यहाँ पे लॉक्स के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हम सिंपल लॉक के बारे में बात करेंगे। सिंपल लॉक यानी क्या होता है, लाइक जनरली हम जो लॉक लगाते थे उसके बारे में पहले देखते हैं। नाउ सपोज मान लीजिए कि हमारे पास डेटा आइटम है ए और उसके ऊपर मुझे लॉक्स लगाने हैं। तो यहां पे दो तरह के लॉक है, एक है शेयर्ड लॉक को हम कहते हैं रीड लॉक भी, और अगर मुझे इसको अप्लाई करना है डेटा आइटम पे तो उसके लिए मैं लिखूंगा लॉक अंडरस्कोर रीड और डेटा आइटम, इस तरह से मैं लिख सकूंगा। तो ये है रीड लॉक। रीड लॉक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं रीड लॉक लगाता हूं डेटा आइटम ए पे तो मैं रीड कर सकता हूं, कोई भी रीड कर सकता है या कोई भी रीड लॉक लगा सकता है, लेकिन अगर मैं रीड कर रहा हूं तो कोई उसको राइट नहीं कर पाएगा। सो ये रीड लॉक का फायदा होता है। सेकेंड लॉक होता है एक्सक्लूसिव लॉक। तो एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है, एक्सक्लूसिव लॉक, और ये राइट लॉक होता है। राइट लॉक दैट मींस अगर मैं राइट कर रहा हूं तो कोई राइट भी नहीं कर पाएगा और रीड भी नहीं कर पाएगा। तो लॉक डब्ल्यू ए, इस तरह से हम लिखेंगे। सो एक्सक्लूसिव को डब्ल्यू भी लिखा जाता है, एक्स भी लिखा जाता है, एक्स मोस्टली यूज किया जाता है। नाउ यहां पे शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक के बारे में देख लेते हैं। यहां पे एक टेबल है के एस एक्स एस एक्स। नाउ यहां से हम शुरू करते हैं। जब शेयर्ड लॉक होगा तो शेयर्ड लॉक सामने हम रख सकते हैं, तो उसके बारे में मैं लिखूंगा यस। लेकिन जब शेयर्ड लॉक होगा तो मैं एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लगा सकता हूं, यानी कि अगर कोई रीड कर रहा है तो वो राइट नहीं कर पाएगा कोई और, तो ये नो। नाउ बात करते हैं एक्सक्लूसिव लॉक। तो जब एक्सक्लूसिव लॉक यानी कि किसी भी डेटा आइटम को हम राइट कर रहे हैं तो वो कोई भी दूसरा रीड नहीं कर पाएगा, मतलब वो रीड लॉक नहीं ले पाएगा, तो यहां पे भी नो आएगा। एंड ऑब्वियसली अगर मैं राइट कर रहा हूं तो दूसरा कोई राइट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी नो आएगा। सो आई होप ये टेबल से आपको पूरा अंदाजा आ गया कि लॉक मतलब क्यों यहां पे यूज होता है। नाउ एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, क्योंकि ये जो है सिंपल लॉकिंग है। एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपल लॉकिंग में भी कुछ तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। नाउ यहां पे मुझे अगर ट्रांसफर करना है ए टू बी 50 रुपीज, तो इसको मैं दे देता हूं ट्रांजेक्शन वन। ट्रांजेक्शन टू है ए प्लस बी। ओके, सो ये दोनों ट्रांजेक्शन को अभी हम एग्जीक्यूट करते यूजिंग लॉक्स। सो इसको अगर हम यूज करें ट्रांजेक्शन टी वन एंड टी टू। नाउ टी वन से हम स्टार्ट करते हैं। टी वन में क्या है, ए को रीड करना है, बाद में ए से बी ट्रांसफर करना है 50 रुपीज। तो पहले मैं रीड लॉक लगाऊंगा ए पे, तो यहां पे लॉक रीड ए और मैं ए को रीड कर रहा हूं। बाद में मैं ये लॉक को अनलॉक कर दूंगा, तो यू एंड ओके। नाउ यहां पे मैंने आर का यूज किया हुआ है, आर का यूज किया हुआ है। बुक्स में नोटेशन एस बी होते हैं, तो यहां पे एस हम यूज करेंगे। मोस्टली मैं बुक का रेफर करूंगा, सो एस का यूज करते हैं। एस मींस शेयर्ड लॉक। ओके, नाउ यहां पे लॉक डेटा आइटम ए और मैंने रीड किया, बाद में मैंने उसको अनलॉक कर दिया। अब मैं एक्सक्लूसिव लॉक उस पर लगा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी ए को राइट करना है, ए में से 50 निकाल के बी में ऐड करना है। तो यहां पे लॉक ऑफ एक्स ऑन ए मतलब एक्सक्लूसिव लॉक, तो मैं यहां पे ए में से 50 रुपीज ए इक्वल्स टू ए माइनस 50। नाउ मैं वापस अभी अनलॉक नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा ए को भी राइट करूंगा। तो राइट ए एंड देन मैं अनलॉक करूंगा एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए। ये सारी प्रोसेस में हुआ क्या, ए में से हमने 50 रुपीज निकाल लिए। अब मान लीजिए कि यहां से ट्रांजेक्शन प्रीएम्प्ट हो जाता है और ट्रांजेक्शन टी टू स्टार्ट होता है ए प्लस बी, मतलब दोनों का समेशन करेगा और बाद में यहां पे पूरी प्रोसेस चलती है बी में ऐड करने की, यानी कि लॉक करो बी को, राइट करो, देन बी में 50 ऐड करो।
अब यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन आप कहोगे यहां पे प्रॉब्लम क्या आई? तो प्रॉब्लम ये आई कि ट्रांजेक्शन का रूल है कि इनिशियली अगर मान लो ए के अंदर 100 रुपीज है, बी के अंदर 200 रुपीज है, तो इनिशियली जब दोनों का समेशन 300 आता है और फाइनली ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद, यानी कि 50 और 250 यहां से मैं ट्रांसफर करूं तब 300 आ जाता है, तो ये हम चेक करते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रांजेक्शन चल रहा है उसके बीच में चेक करता हूं तो वहां पे भी मुझे 300 ही मिलना चाहिए, उससे वैल्यू आगे पीछे नहीं मिलनी चाहिए। तो वहां पे अगर मुझे 300 वैल्यू मिलती है तो सही है, वरना गलत है। नाउ यहां पे क्या होता है, बेसिकली ये पार्ट हमने रन किया, बाद में प्रेम करके हमने ए प्लस बी किया, अभी तक मैंने बी वाला पार्ट रन नहीं किया है, तो ये ए प्लस बी कहां से वैल्यू लेगा? ए की, ए की वैल्यू यहां से लेगा जो ऑलरेडी 50 माइनस हो चुका है। तो यहां पे ए की वैल्यू क्या है, 50, जो माइनस हमने कर दी है। बी की वैल्यू तो एज यूजुअल जो है 200 है, अगर हम यहां पे दोनों का समेशन करते हैं तो 250 आता है। ये 250 और ये 300 दोनों डिफर करता है, मतलब हमारी जो वैल्यू है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है, तो ये नहीं चलेगा। ये सिंपल लॉकिंग में के पहला प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। ओके, इनकंसिस्टेंसी। नाउ सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहां पे सेकंड प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? नाउ सेम एग्जांपल नहीं लूंगा, एग्जांपल में चेंज कर दूंगा। तो सेकंड प्रॉब्लम यहां पे आता है डेडलॉक का प्रॉब्लम। डेडलॉक दैट मींस यहां पे ट्रांजेक्शन T1 है, ट्रांजेक्शन T2 है। अब यहां पे डेटा आइटम पे लॉक लगाया ए पे, ये ट्रांजेक्शन ने लॉक लगाया बी पे। नाउ अब ये क्या चाहेगा, T1 कि मैं लॉक लगाऊं बी पे, रिक्वेस्ट करेगा, और ये क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, ए के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब इसने लॉक ए पे लगाया, बाद में इसने बी पे लगाया, अब ये बी पे लॉक लगाना चाहते हैं और अब ये ए पे लॉक लगाना चाहता है, जबकि किसी ने भी यहां पे अनलॉक किया नहीं है, यानी ऑलरेडी लॉक है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे सिनेरियो कुछ इस तरह का होगा, ये है T1 और इस पे ऑलरेडी मतलब ए है वो T1 में लॉक्ड है, और ये T2 है उस पे ऑलरेडी बी है। नाउ ट्रांजेक्शन T1 को क्या चाहिए, बी चाहिए, मतलब उसको बी चाहिए, बी के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ट्रांजेक्शन T2 को क्या चाहिए, ए चाहिए, वो ए को रिक्वेस्ट कर रहा है लॉक के लिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसा कि आप देखो यहां पे साइकिल जनरेट हो रही है, यानी कि ये जो है वो एक साइकिल जनरेट हो रही है। साइकिल दैट मींस यहां पे डेडलॉक क्रिएट हो रहा है। हर सिनेरियो में डेडलॉक नहीं क्रिएट होगा, कई बार ऐसा भी होगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन डेडलॉक यहां पे आ सकता है। सो ये है दूसरी प्रॉब्लम सिंपल लॉकिंग में। सो इसको हम बोलेंगे डेडलॉक। अब थर्ड प्रॉब्लम, मेरे पास ट्रांजेक्शन है T1 T2, अब मैं यहां पे लॉक करता हूं एंड देन रीड करता हूं ए की वैल्यू, देन अनलॉक कर दिया मैंने, वापस से यहां पे मैं लॉक करता हूं देन रीड करता हूं। ओके, यहां पे हम एक्सक्लूसिव लॉक लगाते हैं और यहां पे हम राइट करते हैं, देन अनलॉक कर दिया मैंने ए को, वापस से यहां पे मैंने लॉक किया एक्सक्लूसिव लॉक, और यहां पे मैंने राइट की ए की वैल्यू और अनलॉक कर दिया ए को। सो ये दिखने में बहुत बेसिक लगता है कि ये तो जनरल सिनारियो है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसा कि यहां पे रीड ऑपरेशन हो रहा है, बाद में यहां पे राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो ये क्या है, RW कंफ्लिक्ट है। यहां तक सब कुछ सही है, T1 ओवर T2, लेकिन जैसे ही खत्म होता है तो W से वापस राइट राइट कंफ्लिक्ट, यानी कि ये दूसरा T2 से T1 भी आ रहा है, तो ये साइकिल क्रिएट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो ये ट्रांजेक्शन ऐसा कहता है कि यहां पे सीरियलाइजेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। और हमें क्या चाहिए, हम लॉकिंग मैकेनिज्म और ये कॉन्करेंसी कंट्रोल क्यों यूज करते हैं कि हम जो नॉन सीरियल शेड्यूल यहां पे रखते हैं वो शेड्यूल इस तरह से चले कि वो काम कर रहा है सीरियल शेड्यूल की तरह, लेकिन परफॉर्मेंस हमें अच्छा दे रहा है। इसलिए यहां पे जबकि यही सीरियलाइजेबिलिटी की गारंटी नहीं करता है तो ये कुछ काम का नहीं है। तो सिंपल लॉकिंग में हमने देखे तीन प्रॉब्लम, पहला है इनकंसिस्टेंसी, दूसरा है डेडलॉक, थर्ड वन इज नॉट गारंटेड सीरियलाइजेबिलिटी।
ओके नाउ ये तीन प्रॉब्लम्स हमें आते हैं तो हम सिंपल लॉकिंग का काफी सिनेरियोज में यूज नहीं करेंगे. क्यों? यहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये जल्दी अनलॉक कर देता है. अगर ये लेट अनलॉक करेगा तो ये प्रॉब्लम को हम इग्नोर कर सकते हैं. तो ऐसे काफी सॉल्यूशंस है हमारे पास जिससे हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टू पीएल टू फेज लॉकिंग और उसके बारे में सब कुछ जानेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वेल अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें.